ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है, ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। पिछले काफी वक्त से मीडिया से गायब रही नेताजी की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव जब कैमरे के सामने आई तो फट पड़ी, एकदम फायर हो गई सपा के एक नेता और उनके बयान पर। दरअसल अपर्णा का ये गुस्सा है सपा के सारथी बनकर घूम रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया तो सियासी भूचाल सा गया। ऐसे में अपर्णा यादव ने भी स्वामी को बता दिया निकृष्ट सोच का प्राणी। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है टीवी पर हो मंच पर हो तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है, ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। तो अपर्णा कहती है कि रामचरितमानस तो एक जीवन शैली है जिस पर इस तरह का बयान अनुचित है, बकवास है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से अपर्णा यूं नाराज है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान देते हुए कहा था कि ऐसी पुस्तकों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए या फिर रामचरितमानस की उन चौपाइयों दोहों को निकाल देना चाहिए जो शूद्रों का अपमान करती हैं। उनका कहना है कि रामचरितमानस में जातीय भेदभाव है। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका, तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आदि करके इसकी रचना की है। तो जब स्वांता सुखाय तुलसीदास ने इस बात को लिखा है तो कैसे यह धर्म हो गया? और धर्म हो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर गाली क्यों दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, जाति लेकर के नाम, शूद्र कहकर के क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देना धर्म है? क्या गाली देना धर्म है? हम कह रहे हैं अगर आप हमें गाली दे रहे हो तो हम आपको गाली दें तो वो क्या धर्म माना जाएगा? जब हमको आप गाली दे रहे हो वो धर्म नहीं हो सकता, तो दूसरों को भी गाली देना धर्म नहीं हो सकता। गाली धर्म हो ही नहीं सकता। जिसमें मानवता आहत हो वो धर्म नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इसके पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस को लेकर ऐसा ही बयान दिया था जिससे काफी बवाल हुआ था, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा बयान देकर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सब पॉलिटिक्स के लिए जातीय गोटियां सेट करने का मामला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।